अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्क्वेयर स्पेस के अंदर जितनी भी इमेजेस होती हैं उनको किस तरह से एडिट और कस्टमाइज़ करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टेक्स्ट ब्लॉक्स को, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं, आप लोगों को कस्टमाइज़ करने के लिए और किस तरह से आप उनको यूज़ करेंगे। तो चलने चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये टेक्स्ट ब्लॉक है, ये भी एक टेक्स्ट ब्लॉक है। सिंपल मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसको मुझे डिलीट करना है, डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से डुप्लीकेट करना है इसे टेक्स्ट को, तो मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास मेजर ऑप्शन है जो कि एडिट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एडिट का, तो यहाँ पर हमारे पास देखें कुछ बार नज़र आ चुकी है और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद है इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है हेडिंग। अगर मैं इसके हेडिंग्स को डिफरेंट तरीके से चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी H1 ही रहने दूंगा। और उसके साथ साथ मैं अगर इसको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से कोई टेक्स्ट मैं अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ और उसको इटैलिक करना चाहता हूँ, इस तरह से इटैलिक कर लूँगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि उस कलर को हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमने सेलेक्ट किया है, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुछ इस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल वन लाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि वो उसी तरह से ऑप्शन आ जाए। इस तरह से यहाँ पे देखिए एक नीचे की तरफ एक स्टाइल बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। मुझे इसको ऐड करना, चेंज करना, कोई और स्टाइल लगाना है तो वो मैं यहाँ पे स्टाइल लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये स्टाइल लगे, और काफ़ी सारे स्टाइल्स आप किसी भी तरह के लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई लिंक लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो लिंक डालेंगे तो स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर वो लिंक लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, इसको अगर मैं इस तरह से सेंटर लेफ्ट राइट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। उसके बाद इसके पूरे बैकग्राउंड के ऊपर मुझे कोई कलर चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से कलर लगा सकता हूँ और उसको मज़ीद डिफरेंट कलर्स दे सकता हूँ जो भी मुझे देना हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये कोई कलर नहीं देना चाह रहा, तो मैं इसको कंट्रोल जी कर दूंगा अगेन। कंट्रोल जी से ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं इस यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ भी हमारे पास रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर, बुलेट फॉन्ट्स के अंदर, वर्ड टू नंबर्स के अंदर, इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर क्रॉस लगाना चाह रहे हैं, स्ट्राइक थ्रू, तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये होती है बेसिक ऑप्शन टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, और यहाँ पे आप इस तरह अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए टेक्स्ट को किसी भी तरह से शो करवा सकते हैं। तो आई होप आपको सेटिंग समझ आई होंगी कि टेक्स्ट ब्लॉक की सेटिंग्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोज़ आप हमारे वक्त पहुँचती रहे।